हेलो दोस्तों, सो हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिस्टम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो की मदद से दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं, आप जो है जियो सावन एप्लीकेशन में अगर आप कोई सा भी गाना यूज करते हैं, कोई सा भी गाना आप सुनते हैं एंड सुनने के बाद दोस्तों वो आपको गाना पसंद आ जाता है, तो आप जियो सावन में प्ले लिस्ट कैसे बना सकते हैं एंड फेवरेट म्यूजिक, ये सारी चीज़ को कैसे आप बना सकते हैं, जहाँ कि आप उस गाने को आपको खोजना नहीं पड़े, आप वहाँ प्ले लिस्ट बना के रख लिया एंड वो सारे गाना को आप सेव करके वहाँ से बहुत ही आसानी तरीके में सुन सकते हैं। तो दोस्तों हम फटाफट इस पहले जियो सावन एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल रहा होगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों हम यहाँ से कोई सा भी गाना अभी सर्च कर लेते हैं, तो हम सर्च वाले ऑप्शन पर टैप करते हैं एंड टैप कर लेने के बाद दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि उदित नारायण वाले ऑप्शन पे हम टैप करेंगे सिंगर पे। अब जैसा कि मान लीजिए दोस्तों ये हमारा गाना है तेरे नाम। अब तेरे नाम को जो है हम कैसे दोस्तों जो है अपने प्लेलिस्ट में ऐड करेंगे, तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे एक आपको स्क्रीन हमारे मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे आपको 3 डॉट का एक आइकॉन देखने के लिए मिल रहा होगा, या आप देख पा रहे होंगे 3 डॉट का यहाँ एक आइकॉन देखने के लिए आपको मिल रहा होगा। इस गाने के बगल में, सभी गाने के बगल में एक 3 डॉट रहता है, जितना भी गाना है उतना 3 डॉट उसके बगल में रहता है। तो हम उस 3 डॉट वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे। अब आप दोस्तों जैसे 3 डॉट वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से दोस्तों काफ़ी सारा जो है आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा, एक जिसमें कि प्ले नो का ऑप्शन है, जहाँ से कि आप इस गाना को अभी तुरंत प्ले कर सकते हैं करंट में। उसके बाद सेव टू लाइब्रेरी का ऑप्शन है, यानी कि आप जो लाइब्रेरी पे क्लिक कर सकते हैं। अब उसके बाद सेव टू जियो ट्यून है, जियो ट्यून एंड रिंगटोन, आप जो इस गाने को यहाँ से रिंगटोन भी बना सकते हैं। उसके बाद एड टू प्ले लिस्ट है। इस प्रकार से दोस्तों आप जो है इन सारी चीज़ को जान सकते हैं कैसे क्या क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों हमें इस गाना को सेव करना है, तो हम कैसे करेंगे, हम ये जो है सेव टू लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। हम जैसे सेव टू लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये हमारे माई लाइब्रेरी में चला गया ये गाना। अब हम कैसे चेक करेंगे, तो दोस्तों आपको हमारे मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर देखने के लिए रिजल्ट मिल रहा होगा, यहाँ होम का ऑप्शन है, यहाँ सर्च का ऑप्शन है, यहाँ जो है वीडियो का ऑप्शन है एंड यहाँ लाइब्रेरी का ऑप्शन है। तो दोस्तों हम माई लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब देख लीजिए ये हमारा लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरी में आ जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे सॉन्ग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। ये देख लीजिए यहाँ पे सॉन्ग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। जैसे हम सॉन्ग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो अभी जो हमारा गाना था वो गाना था तेरे नाम। तो देख सकते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर यह गाना जो आ चुका है, किस प्रकार से तेरे नाम, ये देख सकते हैं ये तेरे नाम आ चुका है। तो दोस्तों ये एक चीज़ हो गया। अब हम आपको वो बताते हैं कि आप अपना प्लेलिस्ट कैसे बना सकते हैं। तो हम वाले ऑप्शन पे आएंगे, हम वाले ऑप्शन पे आने के बाद जैसे मान लीजिए हम कोई सा भी एक गाना एग्जांपल में आपको दिखाने के लिए ले लेते हैं, फिर हम वही प्रोसेस करेंगे दोस्तों, 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक एड टू प्लेलिस्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा, एड टू प्लेलिस्ट का ऑप्शन। तो हम दोस्तों उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप एड टू प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो जैसा कि दोस्तों आपको हमारे मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा, यहाँ हमने जो इतना सारा प्लेलिस्ट को जो है ऐड करके रखा इतने सारे नाम से, आप जो दोस्तों इसमें नाम भी ऐड कर सकते हो कोई सा भी नाम से। तो दोस्तों आप अगर चाहते हैं कैसे प्लेलिस्ट करेंगे, न्यू प्लेलिस्ट बनाएंगे, तो दोस्तों आपको हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे यहाँ पे एक रिजल्ट दिख रहा होगा न्यू प्लेलिस्ट, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे जो दोस्तों टैप कर देना। अब जैसे हम न्यू प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, अब उसका नाम यहाँ पे पूछा जाएगा, तो हम यहाँ पे नाम कुछ भी डाल देते हैं 666। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ क्लिक कर देते हैं, जैसे अब हम सेव वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा जो दोस्तों ये देख लीजिए ओके, हमें बताया जा रहा है कि आपका जो वहाँ पे प्लेलिस्ट बन चुका है। तो दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, माय लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पे जाना है नीचे की ओर। तो हम माय लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पे जाएंगे और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर से एक ऑप्शन मिलेगा जिसका कि प्लेलिस्ट नाम है, तो आपको इस प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाना है। तो हम प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जैसे दोस्तों जाएंगे, तो आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर अभी हमने यहाँ पर एक तुरंत ही लाइब्रेरी ने प्लेलिस्ट को जो है ऐड किया था, जिसका कि नाम हमने रखा था 666 और इस गाने को ऐड किया था, तो ये गाना जो ऐड हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से हमारे मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे यह हमारा जो है देख सकते हैं कि यह हमारा प्लेलिस्ट का नाम हुआ और यह वाला गाना को मैंने अभी जो है ऐड किया था, तो ये ऐड हो चुका है। तो दोस्तों बस हमारा वीडियो कंप्लीट, आज के लिए इतना ही, हमारा टोटल चीज़ कंप्लीट हो गया, हमने जो जो कहा था हमने वो सारी चीज़ को आपको समझा दिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि ऐसे वीडियो हम आप तक के लिए लाते रहें। धन्यवाद।